तारे जमी पर, यह बात सुनकर अचंभा होता है, लेकिन सनातन धर्म सरस्वती शिशु इंटर कॉलेज कंकरखेड़ा के दो छात्रों ने यह संभव कर दिखाया है। ये वाकई में वाहवाही के मुस्तहिक हैं। हम आज इन दो बच्चों के बीच में हैं जिन्होंने ज़िले में टॉप किया है। इसमें जो टॉपर है वो उसका नाम है यशवर्धन देव त्यागी, ये डॉक्टर नितिन त्यागी के पुत्र हैं। इसी के साथ जो द्वितीय स्थान ज़िले के अंदर आया है उस छात्र का नाम है श्रेयांश, ये सतीश त्यागी जी के पुत्र हैं और जिन्होंने हाई स्कूल के अंदर पिछली बार ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आइए हम उनसे बात करते हैं, उन्होंने कैसी कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। यशवर्धन जी, सर आपने कितनी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है, ये थोड़ा इस पर प्रकाश डालिएगा। किसी भी मेहनत को पाने के लिए सर, किसी भी मुकाम को पाने के लिए मेहनत तो मतलब करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो भी मतलब क्या नाम है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही अच्छी सफलता पा सकेगा। और ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करते हैं वे सफलता ना भी पाएँ तो उन्होंने कुछ करा नहीं, उन्होंने मतलब एक मेहनत करी है और एक चीज़ तक पहुँचे हैं जहाँ पर मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं भी पहुँच पाते। आप कितने घंटे आपने पढ़ाई की है? सर ऐसा मेरा कोई डेली रूटीन फिक्स नहीं रहता था कि मैं, लेकिन अमूमन कितने घंटे पढ़ते थे रोज़ाना? सर अप्रोक्स अगर टाइम देखे तो 10 आवर मेरा मतलब था पढ़ने में। 10 घंटे रोज़ाना पढ़ते थे? हाँ सर, मैं इस दौरान फैमिली का आपको क्या बैकअप मिला? सर फैमिली पूरा सपोर्ट करती थी मुझे, वो उन्होंने मतलब मेरे को कभी भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाने दिया और कोई भी इतना हार्डवर्किंग काम मेरे ऊपर डाला नहीं, उन्होंने मतलब मेरे को हमेशा पढ़ाई के लिए ही आगे रखा। ट्यूशन आपने किस किस सब्जेक्ट की पढ़ी है? सर मैंने ट्यूशन पढ़ी है केमिस्ट्री एंड बायो। केमिस्ट्री और बायो में कितने मार्क्स आए उसके अंदर? सर केमिस्ट्री में मेरे 97 हैं, बायो में मेरे 97 हैं। इससे अधिक मार्क्स भी आए किसी सब्जेक्ट के अंदर? सर नहीं, मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों में 97 है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में 96 है। आपकी हॉबी क्या क्या हैं? सर हॉबी मेरा मतलब जैसे हमारा इंडिया है और वर्ल्ड है, इनके बारे में इंटरेस्टिंग सी बातें जानना, और क्रिकेट खेलना भी मेरे को बहुत अच्छा पसंद है, बुक रीडिंग भी मेरे को अच्छा पसंद है, और प्रोफेशन से मेरे पापा डॉक्टर हैं तो उनके साथ मेरे को मतलब वर्क करना वो भी मेरे को बहुत पसंद है, और मैं पिछले 5-6 साल से उनके साथ डेली 5-6 आवर अपने देता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ आपने कितने घंटा खेल भी किया है रोज़ाना, खेलते थे या नहीं खेलते? सर खेलता था मैं, ऐसी बात नहीं, खेलता नहीं था, पर जब मेरे को लगा कि मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने खेल को बहुत कम कर दिया था, पर जब तक मेरे को लगा कि मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं है तो मैंने खेल और पढ़ाई दोनों चीज़ साथ साथ करी। अब आपका क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं आप? सर वैसे तो ज़िंदगी मेरा मतलब लक्ष्य एक है कि मेरे को अच्छा इंसान बने रहना है, जैसे मेरे पापा भी कहते हैं और मेरे टीचर वगैरह सब कहते हैं, पर जो मतलब एक चीज़ मेरे को मतलब जैसे सबको लगता है कि एक चीज़ पानी होती है, तो वो मेरा MBBS डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट फील्ड में। अच्छा, पापा की तरह डॉक्टर ही बनना चाहते हैं? हाँ जी, और मेरी दीदी भी डॉक्टर करती हैं, BMS कर रही हैं। बहन तो सारी फैमिली डॉक्टरों की हो जाएगी। हाँ जी सर। साथ हैं यशवर्धन देव त्यागी जिसने ज़िले में टॉप किया है इंटरमीडिएट में, उसके पिताजी डॉक्टर नितिन त्यागी जी, आइए उनसे बात करते हैं, उन्हें कितनी खुशी है और आगे बच्चे को क्या पढ़ाना चाहेंगे। इसके टॉप करने पे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है इतना हुआ है, उसने अपनी होनहार होने का परिचय दिया। जिन्होंने ज़िले के अंदर द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने परिवार का नाम रोशन किया है, आइए उनसे बात करते हैं। श्रेयांश, आपने कितने घंटे मेहनत की है पढ़ाई में? सर मैंने भी जैसे घंटों को देखकर कभी पढ़ाई नहीं की, जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मैं वीक था या जिसमें मुझे मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने उसको ज़्यादा समय दिया, और जो मुझे थोड़ा आसान लगता था उसको मैंने थोड़ा कम टाइम दिया, जिससे मेरा हर सब्जेक्ट एकदम बैलेंस चलता रहा। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको टफ लगते थे? सर एक तरह से मुझको केमिस्ट्री तो थोड़ा टफ लगता था, और फिजिक्स और मैथ्स मेरी अच्छी थी तो मैंने केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दिया। कितना टाइम देते थे आप उसमें? सर जैसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स को तो 2-2 घंटे दिए, तो मैं उसे ज़्यादा दूंगा, जैसे 1 घंटा, जैसे 3-3.5 घंटे के आसपास मैं दूंगा। अब आपका क्या लक्ष्य है आगे बढ़ने के लिए? सर मेरा लक्ष्य है मैं इस देश की सेवा करना चाहता हूँ, जैसे अब इस देश में, इस समाज में भ्रष्टाचार है, अलग अलग कुप्रथाएं हैं, मैं उनको समाप्त करना चाहता हूँ एक बड़ा IAS ऑफिसर बनके। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं जी? आपके हाई स्कूल के अंदर आपने पहले ज़िले में टॉपर रहे जी सर, क्या वजह रही कि आप इंटर में टॉपर नहीं बन पाए, फर्स्ट टॉपर? सर
क्या वजह रही, कहाँ कमी रही आपको, कुछ लगा ऐसा कि यहाँ अगर मैं कुछ एक दो नंबर अगर मेरे और बढ़ जाते तो मैं फिर ज़िले में टॉप कर पाता? नहीं सर, वैसे तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, पर मुझे खुशी है कि जो फर्स्ट टॉपर भी है वो भी हमारे स्कूल का ही है, और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि वो भी मेरा मित्र ही है। मित्र होने की वजह से आपको कोई मलाल नहीं है? नो सर। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत। ज़िले के अंदर दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले श्रियांश के साथ हम हैं, और उनके परिवार, उनकी माता जी हमारे साथ हैं। आइए उनकी माता जी से बात करते हैं, उर्मिला देवी जी से। उन्हें कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे ने इतने अच्छे अंक प्राप्त करे, और टेंथ में भी मतलब अच्छे ही किए, तो अब भी अच्छे लगे, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बेटा, और अच्छी पढ़ाई करता है। श्रियांश के पापा क्या करते हैं? श्रियांश के पापा लोको पायलट। लोको पायलट हैं। आपने इसकी पढ़ाई के अंदर कितना इसे उत्साहवर्धन किया? सर वैसे तो पढ़ाई मतलब बचपन से अच्छी करता है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बेटा तू पढ़ ले, हमेशा ही पढ़ता रहता है। सनातन धर्म सरस्वती शिशु इंटर कॉलेज कंकरखेड़ा के प्रधानाचार्य जी के हम साथ हैं, प्रधानाचार्य जी राजीव पांडे हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ज़िले को दो टॉपर दिए हैं अपने स्कूल से, उन्हें कितनी खुशी हुई है। ये मैं इनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, और ये सबसे बड़ी तो खुशी की बात है कि जो हमारे आचार्य बंधु हैं उनके परिश्रम का परिणाम है, और ये पूरी टीम का टीम वर्क होता है, तो पूरी टीम हमारी बधाई की पात्र है जिन्होंने पूरे वर्ष इन बच्चों के साथ मेहनत किया है, और माता पिता ने भी अपनी तपस्या को पूर्ण किया है, बच्चों ने इस रूप में परीक्षा परिणाम देखा, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और विद्या भारती जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ रही है, और उसके लिए भी गर्व की बात है। मैं अर्शद आशीष राजा के साथ जनवाणी न्यूज़।